दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका न्यू बॉर्न बेबी यदि बहुत ज्यादा रो रहा है तो आप उसे किस प्रकार से चुप करा सकते हैं, क्योंकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें इस बात का अनुभव नहीं होता कि बच्चा कैसे पाला जाए, बच्चा कैसे चुप कराया जाए, बच्चे के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये सारी जानकारियां उनके पास नहीं होती हैं। लेकिन पहले बच्चे में जो दिक्कतें आती हैं उन्हें फेस करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने सोचा कि अगर मुझे अनुभव है इन सब चीजों का तो मैं उन नए पेरेंट्स के साथ अपना अनुभव क्यों ना शेयर करूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ भी बोलना नहीं आता। उनके पास एक ही भाषा होती है, रोना। वो रो कर ही अपनी सारी बातें बताते हैं अपनी भाषा में। बस आपको उनकी ये भाषा समझ में आनी चाहिए। बच्चे का रोना अलग अलग तरीके से होता है। वो कई तरीकों से अपनी बात को कहने के लिए अलग अलग लयबद्ध के तरीके से ही रोता है। यही बात है कि वो रो किस तरह से रहा है, इस भाषा को आपको समझना होगा। जब उसे भूख लगती है तब वो बार बार रोएगा और बार बार उसी बात को दोहरा कर रोएगा। जैसे उसने एक बार रोया उसी सेम तरीके से वो दोहरा के रोता रहेगा। मतलब कि वो आपको कह रहा है कि मैं भूखा हूं, बस आप समझ नहीं पा रही हैं। जैसे कि ये तरीका सुनिए। आपने सुना, ये है लयबद्ध तरीका दोहरा उतार। जब बच्चा इस तरीके से रोए तब आप समझ लेना कि बच्चा भूखा है, वो दूध मांग रहा है। सेकेंड नंबर पर आता है बच्चे का डायपर। आजकल डायपर सभी माएं पहनाती हैं अपने बच्चों को। अब जब बच्चे को डायपर पहना दिया है तो जाहिर सी बात है कि उसे पॉटी भी आएगी और सुसु भी आएगी। तो जब वो पॉटी और सुसु कर लेता है अपने डायपर में, उस समय भी उसका डायपर बहुत ज्यादा इचिंग करता है, उसके शरीर में काटता है और इसी वजह से बच्चा रोता है। या फिर आपने डायपर नहीं पहनाया है, बच्चे को जिस बिस्तर पर सुलाया है उस बिस्तर को भी आप चेक कर सकती हैं कि उस बिस्तर को कहीं बच्चे ने गीला तो नहीं कर दिया। जैसे हम लोगों को गीला बिस्तर समझ में आता है, गीली चीजें समझ में आती हैं, वैसे बच्चे को भी गीली वस्तु, गीली चीज या गीला बिस्तर समझ में आता है। लेकिन वो अपनी बात माँ को कैसे बताए, इसलिए वो गीले बिस्तर के लिए भी रोता है। इस बात का आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताती हूँ, उसे आप जरूर इस्तेमाल करिएगा। आप यदि बच्चे को रात में डायपर पहनाना चाहती हैं कि बच्चा रात में डायपर पहने और बिस्तर को गीला ना करे, खराब ना करे, तो आप एक काम कर सकती हैं। आप बच्चे को डायपर पहनाइए, लेकिन उस डायपर में कॉटन की रुई आती है मार्केट में, वो पूरा का पूरा पैड आता है, उस पैड को वहां से ले लीजिए और उस पैड की रुई को इतना बड़ा पीस उसके डायपर में रख दीजिए। जैसे ही वो सुसु करे या पॉटी करे, आप रात में उसको चेक करिए और चेक करने के बाद यदि उसने उस डायपर में सुसु कर दी है और उसकी वो कॉटन की रुई गीली हो गई है तो उसे हटा दीजिए और वापस आप उसी पोजीशन पे जैसे डायपर बच्चे ने पहना उसे पहने रह दीजिए। बस ध्यान रखिए कि उसका डायपर इतना गीला नहीं होना चाहिए कि रुई को पार कर जाए। यदि रुई को पार कर गया है तब तो आपको डायपर भी बदलना होगा। यदि डायपर में आपकी कॉटन वाली रुई पूरी नहीं भीगी है, सिर्फ थोड़ी सी गीली हुई है, तब वहां पर आप उस रुई को हटाकर दूसरी रुई उसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो जगह, वो सतह सूखी हो जाएगी बच्चे की और वो बच्चा आराम से सो पाएगा। डायपर चेक करिए, ये बहुत जरूरी है। और ऐसा करने से बच्चा यदि आपका चुप हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपने बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और आप भी सो पाएंगी। नंबर 3, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जब दूध पी लेता है तब उसके पेट में डकार की कंडीशन बन रही होती है, उसका पेट फूल रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है।
अब बच्चे ने दूध पी लिया है क्योंकि वो लेटने की पोजीशन पर है, तो जब लेटने की पोजीशन पर है तो डकार नहीं आएगी, लेटने की वजह से वो दूध भी बाहर निकाल दे। इसलिए जब भी आप रात में या दिन में बच्चे को जब भी दूध पिलाएं, बच्चे को कंधे से लगाकर डकार जरूर दिलवाएं। ये भी रोने का एक कारण होता है बच्चे का। नंबर 4, जैसे आप कहीं बाहर गई, जब आप बाहर जाती हैं तो बच्चा आपकी गोद में होता है फुल टाइम, उतने अच्छे से उसे रिलैक्स भी नहीं मिलता, इसकी वजह से भी बच्चा रोता है। वो कहता है कि बहुत हो गया घूमना फिरना, अब घर चलो, मुझे घर में सोना है। तो इसी वजह से बच्चा रोता है कि जरूरत से ज्यादा वो थक गया है। आप चाह रही हैं कि मैं घूमूं और बच्चा साथ नहीं दे रहा है, तो यही होता है कि जब बच्चा साथ नहीं दे रहा है तो आप भी नहीं घूम पाती हैं। और बच्चा बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि आपका मन घूमने का है और बच्चा आपको परमिशन नहीं दे रहा है। और जैसे ही आप घर जाती हैं, बच्चा आराम से चैन से सो जाता है और वो बहुत ज्यादा थक रहा था। तो इसलिए जब भी आप बाहर जाए, लंबे समय के लिए बहुत लॉन्ग टूर पर ना जाए। जब बच्चा छोटा होता है तो कम से कम उसकी 20 घंटे की नींद होनी ही चाहिए, और जब उसे वो 20 घंटे की नींद नहीं मिलती तब वो बहुत ज्यादा रोता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। जितना आप ज्यादा घूमेंगी फिरेंगी उतना ही बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा रोएगा क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। नंबर 5, जब बच्चा आपका दूध पीता है तब तो उसको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, जो आप खा रहे हैं वो दूध के रूप में बच्चे के अंदर जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का पाचन क्रिया सही रहता है, बच्चे की हेल्थ सही रहती है और उसे शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल रहा है, आप बाहर का दूध दे रही हैं, तो बाहर का दूध बच्चे के लिए अनहेल्दी हो जाता है। जब अनहेल्दी दूध बच्चे को आप पिला रही हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने बॉटल का दूध पिलाया बच्चे को, क्योंकि आपने मॉर्निंग में सुबह एक बार बॉटल को धुला था, उसके बाद पूरे दिन उसी बॉटल में बच्चे को दूध पिलाया, तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे की बॉटल का दूध जो पुराना दूध था वो फटता रहता है, कई बार जमता रहता है, उसी में आप अगला दूध डाल देती हैं, तो वो दूध अनहेल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज्यादा पेट की परेशानी हो जाती है, जैसे कि पेट में उसको दर्द भी हो सकता है, पेट में अफरा भी लगेगा, पेट फूलता रहता है, ये सारी दिक्कतें बच्चों के अंदर आ जाती हैं। जब भी आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, यदि बोतल से दूध पिला रही हैं, तो बोतल को जितनी बार आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, हर बार आपको बोतल को धोना है, उसके बाद ही बच्चे को उस बोतल से दूध पिलाना है। यदि आप ऐसा करेंगी तो बच्चे को काफी हद तक परेशानियों से दिक्कतों से बचा पाएंगी और बच्चे का रोना भी यहाँ पर कम हो जाएगा। नंबर 6, जब आपका बेबी सो रहा है दिन में या फिर रात में, किसी भी टाइम बच्चा सो रहा है तो उसे बहुत तेज आवाज नहीं चाहिए। बहुत तेज आवाज होने की वजह से बच्चा चौंक जाता है और जग जाता है और जगने के बाद वो रोता है। तो आप समझ लीजिए कि बच्चे को ये छोटी छोटी आवाजें भी परेशान करती हैं। तो इन आवाजों पर भी आप ध्यान रखिए, जब बच्चा सो रहा है तो इस तरह की कोई भी आवाज बच्चे के पास, जहां तक बच्चे को सुनाई देता है वहां तक बच्चे के पास कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सो लेगा। और जब वो अच्छे से सो लेगा तब वो खिलखिलाता हुआ उठेगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा क्योंकि उसकी नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 7, कई माएं क्या करती हैं कि ठंड बहुत नहीं होती है और बच्चे को इतने सारे कपड़े पहना देती हैं कि बच्चा गर्मी की वजह से भी रोता है। आप बाहर जा रही हैं, आपने सोचा कि बाहर ठंड लग जाएगी उसे, तो ठंड ना लगे इसकी वजह से आपने बहुत सारे बच्चे को कपड़े पहना दिए गरम गरम, उसमें बच्चे को बहुत ज्यादा उलझन होती है और वो बता नहीं पाता, सिर्फ रोता है और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चे को दिक्कत क्या है। कई बार बहुत सारे कपड़े बच्चे की रोने की वजह भी होते हैं। तो ये तो थी जानकारी बच्चों के विषय में, और उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे।